YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर बेशुमार लोगों ने कॉल किए और बताया जी ये जो टॉपिक आपने किया है, इस टॉपिक पर ज़रूर बात करें। इस टॉपिक पर पहले एक थोड़ी सी बात आप कर चुके हैं, लेकिन जो ना इसकी ज़रा तफसील से बताएं हमें क्या है। कहते हैं जी कुछ अफराद के मिसाल जो है ना, किसी के यहाँ 3 या 4 बच्चे हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी के 3 औलादें हैं, तीनों लड़के हैं, लेकिन वो लड़कों में से कोई लड़का ऐसा है कि जो पढ़ नहीं पाता, और एक लड़का ऐसा है कि जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती, उसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा लायक होता है और बहुत ज़्यादा पढ़ता है, जैसे आप पढ़ाकू भी कह सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के हाथ में देखें, बच्चों के हाथ में उभारे मुश्तरी फूला हुआ हो, यानी शहादत की उंगली के नीचे जो ये जगह होती है, ये उभार अगर फूला हुआ है, ठीक है ना, ये उभार अगर फूला हुआ है तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा लायक। और इसके साथ साथ इसकी ये समझें कि ज़िंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर, दिल की लकीर, ये लकीरें भी अच्छी हैं और ये उभरा हुआ है। तो अगर आपके 2, 3, 4 या 5 या 6, 7 बच्चों में से किसी एक बच्चे के हाथ में इस तरह की लकीर है और इस तरह का हाथ है कि यहाँ का जो उभार है, ये शहादत की उंगली वाला, ये फूला हुआ है, और उसके साथ दिमागी लकीर बहुत अच्छी है, उसके साथ दिल की लकीर अच्छी है, उसके साथ किस्मत की लकीर अच्छी है, तो ये वो बच्चा है कि जो बड़ा नाम बनाएगा, बहुत कामयाब होगा, और तालीमी मैदान में इसके मुकाबले का दूसरा नहीं होगा। तो ये तो ठीक है कि सब बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए हमें, बच्चों पे तवज्जो देंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उनका मुस्तकबिल खुद ब खुद संवर जाएगा। लेकिन 3, 4 या 2 बच्चों में से, या आपके जो इतनी औलादें हैं उनमें से अगर किसी के हाथ पर इस तरह की अलामत है, तो बराए मेहरबानी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आप तवज्जो देंगे, ये बच्चा ऐसा नाम बनाएगा कि आपके कुनबे और ख़ानदान में किसी का इतना नाम नहीं होगा, और इतना पैसा कमाएगा कि जो आपने तस्वर भी नहीं किया होगा। क्योंकि ऐसे लोग सच्चे, मुखलिस, खरे और मेहनती, जफाकश होते हैं। इनको ये नहीं कि सिर्फ तालीमी मैदान में, किसी भी जगह आप उनकी ज़िम्मेदारी लगा दें जी ये आपने करना है, तो 100% ये वो रिज़ल्ट लाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो रिज़ल्ट लेकर आएंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि इतना उमदा रिज़ल्ट आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पता ये होता है कि हम जैसे एक बच्चा है वो माँ का लाडला है, एक बच्चा है वो बाप का लाडला है, ठीक है ना। अब माँ का जो लाडला है उसको अगर वालिद कोई नसीहत करता है तो माँ मना करती, नहीं 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 ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, बच्चा है, ये है वो। इसी तरह जो बाप का लाडला है उसको अगर माँ कुछ कहेगी तो वालिद साहब जो है ना उनके कहेंगे ना ना ना, इसको कुछ ना कहो, बाकी से बात कर लो, या इसको किसी काम से ना भेजो, दूसरों को भेज दो। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ आगे चल के यानी मुश्किलात पैदा करती है। लेकिन अगर बच्चे के हाथ में इस तरह की अलामतें मौजूद हैं, तो मेरा आपको मशवरा यह है कि इस बच्चे की तालीम पर तवज्जो दें, इस बच्चे की तालीम पर, यानी कि दूसरों को ना पढ़ाएं, उनको भी पढ़ाएं, लेकिन इस पर ज़रा फोकस ज़्यादा रखें, इस पर दबाव ज़्यादा रखें, इस पर प्रेशर ज़्यादा रखें, ताकि ये बच्चा अपने माहौल में जाकर भटक न जाए, अपने माहौल में जाकर भटक न जाए। मिसाल जैसे आवारागर्द लड़के हैं, उनकी महफिल में बैठना ना शुरू कर दे, या दूसरे भाइयों को देखकर किसी ज़िद पे ना आने शुरू हो जाए कि ज़िद करने लग जाए, या तालीम पर तवज्जो देनी छोड़ दे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बच्चा बहुत ख़ास बच्चा है, इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और अगर आपने तवज्जो दी तो इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इसने कैसा रिज़ल्ट लाया। ये वही बच्चे होते हैं जो पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में अव्वल पोजीशन पे हासिल करते हैं, ऐसी ही बच्चियां होती हैं।
ऐसे ही बच्चे होते हैं। और बच्चियों के हाथ पर अगर इस तरह की लकीर है, बच्ची के हाथ पर अगर इस तरह की लकीर है, तो आप कोशिश करें इसको पढ़ने दें जहाँ तक वो पढ़ती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जी, हम तो बस इतना पढ़ाते हैं कि ख़त पढ़ लिख ले। अब ख़त का ज़माना कहाँ, इतना है कि बस थोड़ी सी होशियार हो जाए। होशियार क्या, ऐसे जो बच्चे होंगे वो पैदाइशी होशियार होते हैं, उनको आप क्या होशियार करोगे। तो इसलिए अगर ऐसी बच्चियाँ भी हैं तो उन पर तवज्जो दें, यकीन करें कि बहुत कामयाब होंगी। ठीक है कि बच्चियों के एक ना एक दिन शादी तो करनी होती है, लेकिन क्या है कि इनको खुल खुला के पढ़ने दें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो यकीन करना कि आपका पूरे कुनबे में, बरादरी में और फिर पूरे मुल्क में ये नाम होगा, क्योंकि इनके हाथ में यहाँ पर स्टार होता है, स्टार होता है जो बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है। फिर मुश्तरी जो है ना, ये उभार उभरा हुआ होता है, ये उभार उभरना भी मैदान में कामयाबी की अलामत है। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, ये था हमारा टॉपिक। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। मेरिन ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएं कि मेरी शादी लव मैरिज हो सकती है, अगर हो सकती है तो कब तक होगी। आपके हाथ में मेरिन साहबा कोई ऐसी लकीर नहीं है कि जिसे हम कहें कि आपकी शादी मोहब्बत की या पसंद की होगी। अगर शादी पसंद की या मोहब्बत की हुई तो उस शादी में चलने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। आयत ने सवाल किया मीरपुर खास से कि ये बताएँ कि मेरी शादी कब होगी और शादी कैसे रहेगी। आपकी शादी इंशाल्लाह 2025 में होगी और शादी कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपकी शादी अपनों में लगती है और शादी कामयाब रहेगी। इमराना तबस्सुम ने सवाल किया इंडिया से कि ये बताएँ कि मेरी शादी कब होगी और कहाँ होगी। आपकी शादी आपके अजीज़ों में होगी और शादी आपकी 2023 के आखिर में होने के चांस हैं और शादी कामयाब रहेगी इंशाल्लाह। सबा वहीद ने सवाल किया जड़ा वालों से कि ये बताएं कि मेरे हाथ में शादी की कितनी लकीरें हैं। आपके हाथ में शादी की एक लकीर है, मोहब्बत या इश्क की 2 से 3 लकीरें चल सकती हैं। डबल ए एस ने सवाल किया मुल्तान से कि ये मेरे शोहर के हाथ की तस्वीर है जो मैंने आपको भेजी है, ये बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, ये बताएं कि कुछ जादू वादू वाला कोई चक्कर तो नहीं है। देखें, जादू वादू का कोई चक्कर नहीं है, हाथ की लकीरों के हिसाब से इनकी सारी लकीरें उलझी हुई हैं। उसके लिए ज़रूरी यह है कि एक तो अपने घर में कुरान शरीफ की तिलावत करें और उसके बाद सूरह फातिहा जो है पाबंदी से पढ़ें, 103 मरतबा पढ़ के पानी की बोतल पर दम कर लें और वह पानी उनको पीने में पिलाएँ, और उसके बाद जब वो पानी कम पड़े तो मज़ीद पानी घर से डालें और अपने शोहर से ये कहें कि वो भी सूरह फातिहा कसरत से पढ़े, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद उमैर ने सवाल किया है ओकाड़ा से कि ये बताएं कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी और कब होगी। आपकी शादी अपनों में होने के चांस ज़्यादा हैं और आपकी शादी 2024 के आगाज़ में होने की उम्मीद है। समीना ने सवाल किया ओकाड़ा से कि मेरे हाथ में ये डबल फिश बनी हुई है, इसका क्या मतलब है। समीना साहबा, ये बहुत बड़ी कामयाबी की अलामत है और अल्लाह ताला वो बड़ी कामयाबी आपको दिखाएगा कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि कोशिश करें कि सूरह इखलास जो है उसको 333 मरतबा अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, आपने पढ़ना है। और ख़वातीन का जो मखसूस आयाम आता है उसमें भी पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। अब्दुल वहीद ने सवाल किया गुजरांवाला से कि ये बताएँ कि मेरा हाथ कारोबारी लिहाज से कैसा है, अगर मैं कोई कारोबार करूं तो उसमें कामयाबी की उम्मीद है या नहीं। प्यारे दोस्त, 100% आप कामयाब होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश करें कि सूरह कौसर जो है इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब भी होंगे और आपके हालात बहुत ज़्यादा बेहतर भी होंगे इंशाल्लाह। इकरा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि मैंने किसी पामिस्ट को हाथ दिखाया था तो उन्होंने शादी के हवाले से ऐसी चीज़ें बताई कि जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, यह बताएँ कि जहाँ मैं चाहती हूँ वहाँ मेरी शादी होगी या नहीं। देखें, अगर इसमें आपको परेशानी होती है तो होगी, लेकिन क्या है कि पसंद की शादी का कोई चांस आपके हाथ में नहीं है, और अगर पसंद की शादी हुई तो उसके चलने के कोई चांस नहीं है। सकलेन बुखारी ने सवाल किया है कि मैंने मदरसा ज्वाइन किया हुआ है, ये बताएं कि आगे मेरे हालात कैसे होंगे और क्या मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊँगा। प्यारे दोस्त, इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे, आपके हाथ में बड़ी अच्छी लकीरें हैं और ऐसी लकीरों वाले लोग जो है ना बहुत बड़ा नाम और मुकाम बनाते हैं। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।